हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, कैरियर से होंगे। और बहुत ही दिनों के बाद आज हमने ब्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, रवाना हो रहे हैं। और ये मेरे पीछे दो चुन्नू मुन्नू खड़े हैं, आजान एंड आलियान साहब। तो हम रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ओके हैं। बैग वगैरह हमने रेडी कर लिए, ठीक है। और अब हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं घर से। तो मैंने कहा चले ट्रैवलिंग के दौरान एक व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रैवल है वो मुल्तान से है इस्लामाबाद के लिए। फर्दर हम मरी हम कल रवाना होंगे इस्लामाबाद के लिए। एक नाइट स्टे हम करेंगे वहाँ पे पिंडी के अंदर, और फर्दर फिर हम जाएंगे वहाँ पे इस्लामाबाद टू मरी और नीचे। तो साथ साथ चलते रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, मज़े मज़े के ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चुनू मुन्नू कोई बात, और माशाल्लाह से बहुत ही हैप्पी है। और एक बजे तक ये मेरे साथ मेरी तैयारी करवाते रहे हैं, मेरी एक एक चीज़ उठाकर मुझे कहते हैं ये ले ले जाएं बाबा, ये भी ले जाएं बाबा, ये भी ले जाएं। इतनी सारी चीज़ें भूले हैं, परफ्यूम, वॉच, एयरबड्स और क्या है। हाँ, जो भी चीज़ मैं मेरे जहन से निकल गई थी, आलियान ने मुझे उठा के और मुझे याद करवा के, बाबा ये तो आपने उठाई नहीं है। तो लेट्स गो, आज चलते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही मज़े का ब्लॉग होने वाला है। क्या है, ब्रशेज हैं आपके दोनों भाइयों की। और ये देखें, ये इनकी क्या हरकतें हैं, ब्रशेज कर रहे हैं मियाँ साहब, अजान मियाँ साहब ब्रशेज कर रहे हैं। और आलियान साहब जो हैं वो अक्सर कोई ना कोई हरकत करते ही रहते हैं। इनके बस में नहीं है कि ये अब मुझे कहें कि बाबा हमें भी साथ लेकर चलें। हाँ, मुझे आइडिया था पहले से ही। ओके, हुज्जत मैं थी। तो मेरे बाबा बाहर निकले तो हुज्जत तो रोने लगे। जब से बाहर गया हूँ तो हुज्जत ने मुझे देखा है कि मैं जा रहा हूँ, हुज्जत रोने लग गए हैं और बाबा को लिपट गए हैं। मुझे भी, मैंने बाय बाय किया तो मुझे कहता है कि मुझे भी साथ ले जाएं, और रोने लग गए हैं। और अब ये मुझे चिपटे हुए हैं। अच्छा नहीं नहीं, तो मियाँ साहब आपके दांत कहाँ हैं? टूट गए। अरे यार मियाँ साहब चूहा ले गए। चूहा ले गए। तो चलते हैं, क्योंकि अब टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। और हमारा जो ट्रैवल का टाइम है वो है 11:30 बजे। तो बाबा आज बहुत लेट हो गए गाइस। बिल्कुल, थोड़ा सा पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा, आधा घंटा। मेरे पापा इसलिए लेट हो गए क्योंकि पैकिंग लेट हुई है। हमने तो पैकिंग रात को करी है और सुबह बाबा रेडी हो गए हैं, तो बहुत लेट हो गए रेडी होने में। वो अब जा ही रहे थे, उज्जैन में रोक लिया। ये क्या कर रहे हैं सर? मुल्तान का जो मौसम है बहुत ही ठंडा हो चुका है, फॉग भी है हल्की हल्की। और जाना मैंने, यार बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। और इस्लामाबाद मरी में तो इससे भी ज़्यादा है। हमारे हाथ जम चुके हैं, मैंने तो आज बाबा को ड्रॉप करने जा रहे हैं, ड्रॉप करने जा रहे हैं, ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो फिर हम, क्योंकि बाबा को एक दिन मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो गाइस, आज हम बाबा को ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे घर से, घर में। और एंजॉय भी करेंगे। छोटा भाई रो रहा था पापा गए हैं, तो फिर हमारी एक बहन है ना, वो घर पे ही है, उसको संभाल रही है। तो हम फिर अभी बाबू को छोड़ने जाते हैं, और फिर आपसे KTM बाइक्स खड़ी थी वहाँ पे, इतनी सारी बाइक्स खड़ी थी। अचन में, अचन भी खड़ा है। अचन, अचन कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मली, मली, मली जा रही हो, मली, बड़ी।
मरी नहीं पहुंचेगा वो अभी, हम साथ जाएंगे ना। उनके टिकट कल मैंने करवाई थी मोबाइल के जरिए, पैसे पे किए थे ऑनलाइन, जैसे हमने वो मैच की टिकट नहीं ली थी मैच वाली, वैसे ही है। पहुंच चुका हूँ, तो क्योंकि हमारा टाइम है 11:30, अभी 15 मिनट बाकी रहते हैं, तो अभी स्टार्ट होने वाली, रेडी होने वाली गाड़ी, सामने गाड़ी लगी हुई है, तो बस बोर्डिंग होने वाली है और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे की व्यूज़ और बहुत ही अच्छी वीडियोज इंशाल्लाह आपको देखने की मिलेगी। तो जी हम इस टाइम पहुंच चुके हैं सियाल सर्विस एरिया में, तो मौसम जो है बहुत ही डेंजर बना हुआ है, सर्दी है काफ़ी सारी और रास्ते में फॉग वगैरह भी थी, हमें काफ़ी टाइम लग गया वहां पे वेट करना पड़ गया है क्योंकि मोटरवे बंद था। तमाम कलीग्स उतर चुके हैं, 15 से 20 मिनट की ब्रेक है, तो उसमें थोड़ा फ्रेश भी हो लेते हैं और अगर कुछ खाना पीना है तो वो भी हम ले लेते हैं खाने के लिए, तो चलते हैं जी। डील्स वगैरह हमने ऑर्डर की थी वो हमने ले ली हैं, तो अब चलते हैं हम गाड़ी में क्योंकि हमारे पास टाइम था, 15 मिनट और 20 मिनट होने वाले हैं, तो ये ना हो कि गाड़ी निकल जाए, तो चलते हैं गाड़ी में। खड़े हैं सामने ये, बाकी दोस्तों की ले रहे हैं, तो मेरी आ चुकी है गाड़ी में, हम आ चुके हैं और बॉस ने आते ही अपने डब्बे को खोल लिया है बगैर किसी ब्रेक मैंने वहाँ बाहर बैठ के खा लिया था क्योंकि थोड़ा सा टाइम था, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट लेट गाड़ी में पहुँचे हैं और बॉस ने ना हाथ हौला नहीं रखा हुआ, खींच के रखा हुआ है काम। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, गाड़ी से सामान वगैरह भी ले लिया है हमने और अब अगला डिस्टेंस हमारा होटल की तरफ है, तो चलें होटल की तरफ चलते हैं, चेक इन करना है और उसके बाद मिलते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने रूम के अंदर, हमने चेक इन कर लिया है और एक तो थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आज का जो ट्रैवल था हमारा यहाँ पर एंड हुआ है। और फाइनली गाइस हमने चेक इन कर लिया होटल के अंदर और सामान वगैरह हमने अपना अंदर रख लिया है और आज का जो ट्रैवल था हमारा यहीं एंड होता है, आज का हमारा नाइट स्टे यहाँ पे है क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा था और हमें थकन भी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ, तो होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।